बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा. उन्होंने दिशा कमेटी बनाई जिसकी वजह से हमें राज्यों की स्थिति का अवलोकन करने का मौका मिलता है और कई ऐसी गंभीर बातें उस मीटिंग में मेरे सामने आई तो एक सर्वे के लिए मैंने आग्रह किया और उसमें जो गंभीर बात आई मैडम ये देखा जाता है कि जो परिवारों में कोई भी माँ बहन माताएं गर्भवती होती है उसके बाद नेचुरल तौर पर उसकी डिलीवरी होती है पर धीरे 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 प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी बढ़ती जा रही है. तो वो जब आंकड़ा मैं वहाँ पर देख रहा था सरकारी अस्पतालों का तो उन आंकड़े के बाद मैंने प्राइवेट अस्पतालों के भी आंकड़े मंगवाने शुरू किए. मैडम बहुत गंभीर बात है कि सरकारी अस्पतालों के जो आंकड़े हैं वो 10 से 12% के आसपास है और 10-12% ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों के होने चाहिए पर आज गंभीर रूप से ये 32-34-35% तक आगे बढ़ चुके हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. मैं मानता हूँ कि सर्जरी द्वारा स्वाभाविक है कि महिला माता बहन को यदि कोई कठिनाई हो तो एक जीवनदान भी उससे मिलता है और जीवनदायिनी तकनीक है पर आजकल एक फैशन हो गया है मैडम कि आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार हो या बड़े बड़े अस्पताल हो अगर प्राकृतिक रूप से हो रहा भी होता है तो भी जैसे परिवारों को इतना पता नहीं होता पर सर्जरी के लिए बता दिया जाता है और सर्जरियां होती है. वहीं गांवों की अगर बात करें मैडम तो गांवों में भी रेशो जो है वो काफ़ी कम है उसके मुकाबले शहरों में बहुत ज़्यादा है जहां बड़े बड़े अस्पताल है. मेरे पास अभी कुछ NFHS 4 के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में ये संख्या 35% तक आगे बढ़ गई है सरकारी अस्पतालों के हिसाब से और गाँवों में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक देश के अंदर 10 से 15 प्रसव के मामले सर्जरी द्वारा होना ठीक है. भारत में 2010 तक ये 8.5% था लेकिन पिछले दशक में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है. कई राज्य हैं जिसमें तो 40-45% तक ये बढ़ा है. महोदया अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा सर्जरी द्वारा प्रसव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी होते हैं ऐसे में ये आवश्यक है कि इस विषय पर गंभीरता से सरकार ध्यान दे क्योंकि कई परिवार गरीब परिवार भी इसका शिकार होते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम.